सब कंट्रीज बना के रखना चाहती है इंडिया के साथ। चलो जैसे तैसे भी है यार, इंडिया की कोई नाराजगी ना मूलने इंडिया से किसी भी तरह की, क्योंकि दे आर सुपर पावर इन क्रिकेट। और जो इंडिया खेले पाकिस्तान के साथ, तो किसी जगह पे भी खेले, फायदा तो जाहिर है कि पाकिस्तान का ज्यादा है। इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस हों और इंग्लैंड के ग्राउंड्स पर मैचेस हों, जो बीसीसीआई है वो इस तजवीज को मान जाएगा। पता है आज वीरे की चोरी दाग दी गई है पकड़ के इंग्लैंड के अखबार में, अबे इंडिया राजी नहीं है खेलने को, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा, याद रखें, जब तक पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, क्रिकेट पैदा ही नहीं हुई है, क्रिकेट बनी ही नहीं है। क्रिकेट है तो इंडिया पाकिस्तान से थी, है, रहेगी। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ इंग्लिश क्रिकेट में? अभी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कूदा है इसके अंदर, वो चाहता है कि हम होस्ट करें, हम एक दावत दें। इंडिया कहता है, पता नहीं क्या कहता है, क्या कहेगा इंडिया। मेरे को 6,000 टुकड़ों में तकसीम कर दें, मैं इस बात पे कायम रहूंगा, हूं रहूंगा कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ी राइवलरी ना पैदा हुई थी, ना है, ना होगी। एशेज कराएं, वेशेज कराएं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर आदमी ने मुंह में लिया हुआ है सीरीज को उठा के, जिसको देखो दुकान खोल के बैठ गया इसके ऊपर। जिसको लेकर मैं पहले ही समझ गया था कि इस न्यूज को बीसीसीआई बड़े आसानी से रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और हम क्यों खेलें, पहली बात तो ये खबर ये थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने भारत पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ पर आकर जो भी है द्विपक्षीय सीरीज, टेस्ट सीरीज़ या T20 सीरीज़ यहाँ पर खेलें। तो आप समझ सकते हो ये मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लोग पैसा बनाना चाह रहे हैं। भारत के साथ जो भी टीम खेलेगी वो माला माल हो जाती है, ये तो आपको पता है। भारत के क्रिकेट की इतनी पावर, फैंस की पावर, या इतना ज़्यादा व्यूअरशिप है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो फिर हम बाहर क्यों जाएं। पहले वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करते हैं कि होनी चाहिए सीरीज, होनी चाहिए। तो ये इंग्लैंड वालों को एकदम से कैसे ख्वाब आया, और क्या मतलब बात उन्होंने अच्छी? अच्छा, सुन ले ये बात का जवाब सुन ले। हम चांद पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखेंगे ना, तो चांद पे भी स्पेस कम पड़ जाएगी, ये लोग पहुंच जाएंगे देखने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट कल भी सरवाइव कर रही थी, आज भी सरवाइव कर रही है, और कल भी सरवाइव करेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रमीज राजा एंड कंपनी बैठे हुए हैं। वो क्या करेंगे, कितना अर्सा करेंगे, अभी भी चल जाएगी ये बात, बिल्कुल रोजे रोशन की तरह। सीधा बोले ना, इरिस्पेक्टिव इंडिया खेले या ना खेले, सीधा ही बोल रहा हूँ ना मैं। और रमीज कहाँ से आ गया बीच में? भाई रमीज इसलिए कि आप जो पैसे जाया कर रहे हैं, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। आप अच्छा पॉइंट कर रहे थे, आपको क्लियर कर ले। आपके रेवेन्यूज इससे डैमेज होंगे, इससे डैमेज कभी भी नहीं होंगे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा। ये नजम सेठी ने कॉम को बड़ी नवीद दी थी, तो मैंने जियो सुपर ही के ऊपर, जबकि वो जियो में शोज करते थे, सेठी साहब बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका, पीसीबी के चेयरमैन भी थे, मैंने कहा ये गलत कह रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान बिग फोर में नहीं आ रहा, बिग थ्री थे इंडिया, जो बीसीसीआई और पीसीबी जो मैदा कर रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये फंस जाएंगे वो, फिर आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में हम जब गए तो हम हार गए वो केस। एनीवेज, बात यह है कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सारी दुनिया को नजर आते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड आपको ऑफर करता है, इंग्लैंड पहले भी कर चुका है, अभी आपने बताया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, इंग्लैंड पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया, जो मर्जी कर लें, चाहे पैक टू कैपेसिटी क्राउड हो, दुनिया का पूरा रेवेन्यू आ जाए, दुनिया के सारा स्टेडियम भर दें, दुनिया की किसी भी, पाकिस्तान को किसी के साथ खिलाएं, इंडिया को किसी और के साथ खिलाएं, until unless and it is an open challenge to the extremists of both sides of the border, India and Pakistan, Pakistan and India, आप जले मरे हुटे आग बगोला आ जाए, इसके ऊपर मेरे को 6,000 टुकड़ों में तकसीम कर दें, मैं इस बात पे कायम रहूंगा, हूं रहूंगा कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ी राइवलरी ना पैदा हुई थी, ना है, ना होगी। एशेज कराएं, वेशेज कराएं, सुनील गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी कराएं, कपिल देव फलाना ट्रॉफी कराएं, रिचर्ड हेडली फलानी ट्रॉफी कराएं। ये याद रखें, जब तक पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, क्रिकेट पैदा ही नहीं हुई है, क्रिकेट बनी ही नहीं है। क्रिकेट है तो इंडिया पाकिस्तान से थी, है, रहेगी। देखें, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सिर्फ एक मिनट दे दे। पहली बात, वर्ल्ड कप, एशिया कप, T20 कप, चैंपियंस ट्रॉफी, चार इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 50 ओवर, वर्ल्ड कप T20 का, और एशिया कप, चार इवेंट है। रिजवान अहमद साहब ईमानदारी से बताएं, दुबई के ग्राउंड में आप 3-4 दफा हम गए हैं। मुझे यह बताएं, फाइनल वाले दिन भी रस्सी तोड़ रश था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें क्या हालात थे, कितने किलोमीटर आप वो क्रीमें लगा के और आपकी जो आंखों का हाल हुआ, कितना किलोमीटर पैदल चले आप? सन क्रीम की बात हो रही है, और सन क्रीम ही कह रहा हूं ना, आपकी आंखें खराब हुई। रंग गोरे वाली क्रीम, ओ यार रंग गोरा तुसी लाना, फिर गोरे रंग लानत भेजो, फिर जब तुम्हें भी गोरे रंग लाने की लोड़ है क्रीमा की, जिन्हों के अंदर साफ होंगे ना उन्होंने चेहरे रक्ताप वांगर रोशन। मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे आईसीसी तो टोटल इंडियन रेवेन्यू न्यूज पे चल रहा है, किसी के माइक के लाल में जरूरत नहीं है कि वो ये मेरी बात को झुठला दे। हम गुलाम है, असल में हम सच बात सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तान और इंडिया में मसला क्या है?
इधर के लोग उनकी हार पे खुश होते हैं कुछ को छोड़ के, उधर के लोग हमारी हार पे। इंग्लैंड ने अच्छा किया बुरा किया क्या किया तो भाई, क्या अच्छा किया क्या अच्छा किया? ओ मेरा भाई बात यह है, रेवेन्यूज गेट मनी स्पॉन्सरशिप ये सारी किसको मिलेगी, फायदा किसको होगा? बेशक बीसीसीआई और पीसीबी को होगा, लेकिन क्या मतलब है? इंग्लैंड मुफ्त में देगा, ये लें जी गेट मनी भी आपका, ग्राउंड भी आपकी, लाइट भी आपकी, स्पॉन्सरशिप भी आपकी, सब कुछ आपकी करेगा वो। तो जो क्या वो चैरिटी गोरे है, वो लेडी डियाना की कबर का भी टिकट लगाए हुए हैं, बकिंगम पैलेस में भी टिकट लगे हुए हैं, आपको क्या ख्याल है मुफ्त में देंगे ये? आप उस दिन बुर्ज अल खलीफा पे गए थे 200 दिरहम दे के और 500 दिरहम की एक तस्वीर थी, हमने कहा ये तस्वीर आप रखिए हमें जरूरत नहीं है, है जी कहा था ना हमने, कहा था कि ये तस्वीर आपकी हुई, आप इसको जहां मर्जी सजाए हम जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। 200 दिरहम बुर्ज अल खलीफा जब ये 2007 में बना था, 15 साल के बाद भी उसकी फीस वही है, एडवांस बुकिंग करनी पड़ रही है, हमने 3 दिन पहले की थी और ऊपर जाके मैंने कहा रिजवान साहब कितने लाए मैंने, इस तो मैं तले ही ठीक था, बोना बना आता दुनिया तले नजर आ रही है, ये मुफ्त में चैरिटी। देखे पाकिस्तान ने और इंडिया ने, आखिरी बात ले लें, पाकिस्तान और इंडिया ने वहां जहां जमीन से खेती नहीं उगती वहां क्रिकेट उगाई है, चाहे वो यूएई के सहरा हो, जहां पर फरारी भी दौड़ी, जहां पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी बना, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नखलिस्तान हो, पाकिस्तान इंडिया जहां खेलेगा। अच्छा मेरी बात सुने, ले मेरा एक चैलेंज ले लें, मुझे आखिरी बात करने दें इसमें, ले मेरा चैलेंज है दोनों तरफ के हार्ड लाइनर्स एक्सट्रीमिस्ट को, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर अगर हौसला है, तुम्हारी नफरत में अगर ताकत है, लो जी पाकिस्तान इंडिया का मैच कराएं, बॉर्डर के ऊपर करा लें, या करतारपुर नादरी साहब के पास करवा लें, करवा लें। तुम्हारे अंदर हिम्मत है दोनों तरफ के लोगों, तुम्हें हिम्मत है ग्राउंड तरफ से दिखाओ, क्राउड कैसे रुकेगा भाई जान, मैं कह रहा हूं हिम्मत करें, अगर लोग तो दिखाए क्राउड का नहीं जाना, इधर से पाकिस्तान के उधर से इंडिया वाले के, अगर भाई जान करतारपुर नादरी पूरी पूरी दोनों साइड की ना भर जाए तो मेरा नाम मोहसिन नहीं है, मैं बड़ा इसका एडवोकेट किया तो मेरा, मैंने इसको बड़ा एडवोकेट किया पाकिस्तान इंडिया को, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कमजोरी समझ लिया, कमजोर मंजोर हम नहीं है, अगर कोई समझता है खरात में ज़कात में हम खरात देने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, हम सैयद हैं, हम पे खरात लगती नहीं, हमारी खरात जाती है। ओ आखिरी बात, वो अकाउंट में पैसे आ गए जो हमने फ्लड डोनेशन देने थे, वो मैं आपको सुबह वाले कर दूं। तो इंडिया खेले पाकिस्तान के साथ, तो किसी जगह पे भी खेले फायदा तो जाहिर है कि पाकिस्तान का ज्यादा है, इसमें तो कोई दूसरी ओपिनियन है नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ हर कंट्री जो है, कोई भी कंट्री खेलने के लिए हमेशा बेताब रहती है, हमेशा इसी आस में रहती है कि वो खेले, और इंडिया की जो सीरीज है उसको वो बहुत ही एक अफ्रीका साल में 9 दफा जा रही है, ऑस्ट्रेलिया अपने वर्ल्ड T20 से पहले इंडिया जा रही है, तो भाईजान सारी बात है, सच है, इसमें तो कोई झूठ नहीं, सब कंट्रीज बना के रखना चाहती है इंडिया के साथ। चलो जैसे तैसे भी है यार, इंडिया की नाराजगी ना बोलने इंडिया से किसी भी तरह की, क्योंकि दे आर सुपर पावर इन क्रिकेट। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर कर दी कि यार हम न्यूट्रल है, हमारे वेन्यूज ले लो, इंग्लैंड हाजिर है, पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीजेस खेले, कंगाल हो रहा है बोर्ड उनका कंगाल, इस वजह से सारा पैसों का गेम है। हाँ, चले, ये बात है। आप इस बात को क्यों आप लोग पीट रहे हो? आपको क्या लेना इंडिया की क्रिकेट से? आप इंडियन क्रिकेट पर बात करते हो, आप हमेशा बाबर आजम की तारीफ के साथ विराट कोहली क्यों जोड़ते हो? उसके बगैर बात ही कंप्लीट नहीं है। इसी आदमी ने एक बम मारा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, ये पाकिस्तान और इंडिया जो है ना साइडलाइंस के ऊपर सीरीज खेलेंगे। अबे किधर गए वो तेरी घंटे की खबर है, किधर गए? क्या झूठ बोलने का तूने क्या ठेका लिया हुआ है क्या मार्केट के अंदर? है तू लोगों को बेवकूफ बनाता है? आज मेरे की चोरी दास दी गई है पकड़ के इंग्लैंड के अखबार में। अब इंडिया राजी नहीं है खेलने को जी, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा ये एक अदर स्टोरी, और वो खुला नहीं, वो बोल चुके हैं यार, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, हम भी चाहते हैं सीरीज। मैं दोनों तरफ का वर्जन दे रहा हूं ना, सुने आप, यहां से भी गवर्नमेंट राजी नहीं है, वहां से भी गवर्नमेंट राजी नहीं है, तो ये खबरें चोचलेबाजी में निकाल के डाली क्यों जा रही है? बिल्कुल। और फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिल होगी ना खेलने के लिए भाई इंडिया से? हाँ। पाकिस्तान में होगी सीरीज, बंदा घंटे में चलो कहीं नहीं खेलना हमने, ना इंग्लैंड में ना दुबई में, पाकिस्तान क्यों नहीं होगी पाकिस्तान में सीरीज? ये वाली बात करो ना यार, पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर आदमी ने मुंह में लिया हुआ है सीरीज को उठा के, जिसको देखो दुकान खोल के बैठ गया इसके ऊपर, जनाब इंग्लैंड के अखबार में आए घंटे में चढ़े मेरे अखबार में आई वाली खबर, मेरे लिए अहम है कि पाकिस्तान में ये सीरीज हो तो ठीक है, बना घंटे में। ये कुन जहन लोगों को जवाब देना हम जैसे लोगों का काम नहीं है, लेकिन बस इतना सा कहूंगा, जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स बने हुए इलाज कराओ अपना पहले जाके, समझ गए? तुम लोग अपना इलाज कराओ, अगर तुमसे सवाल होता है कि ये कैसा प्लेयर है तुम जवाब क्या देते हो? ये इंडिया के फला खिलाड़ी से मिलता है? नहीं नहीं, तुम्हारे दिवालियापन का सबूत है कि तुम्हें हमेशा इंडिया का खिलाड़ी क्यों चाहिए? इस खबर पे कंपेयर कर देंगे, शायद तो पकड़ो ना क्यों मान लिया जा रहा है, ये कह रहा हूं कि इस खबर पे मैं तो ये सोच रहा था कि रिएक्शन ये आना चाहिए पाकिस्तानी फैंस का क्रिकेट के, अरे लानत भेजो इंग्लैंड और यूएई पे, पाकिस्तान में होनी चाहिए सीरीज, ये रिएक्शन बनता है तुम्हारा? इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम इस बात पे ढोल बजाना शुरू कर दो कि वापस होगी, मेरे घंटे से क्यों होगी वापस भाई? किस बात के लिए होगी वापस सीरीज? पाकिस्तान में नहीं होता लानत है सीरीज के ऊपर, नहीं होनी चाहिए कहीं पे ये सीरीज। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज है वो इंग्लैंड के। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत पाकिस्तान को ऑफर किया कि भारत पाकिस्तान इंग्लैंड में आकर बायलैटरल सीरीज खेले,
मल्टी नेशन के अलावा भारत पाकिस्तान कहीं खेलते नहीं है, तो बीसीसीआई ने क्लियरली बोल दिया कि हम मल्टी नेशन सीरीज़ के अलावा पाकिस्तान के साथ कहीं नहीं खेलेंगे। अब तो मेरे हिसाब से एक चीज़ बताऊं, भारत की अगर क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन भी है, इंडियन गवर्नमेंट अगर ऑफर भी देती, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। रीज़न क्या है, पाकिस्तान हमारे बारे में क्या सोचता है आपको पता है, पाकिस्तान की जो कंट्री है, वहाँ की स्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आर्मी है, हमारे बारे में क्या सोचती है आपको पता है। क्रिकेट से क्या होगा, क्रिकेट से होगा क्या, उन भिखारियों के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि भारत से जो कोई खेलेगा प्रॉफिट शेयर होगा। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि पूरे ओवरऑल अगर क्रिकेट दुनिया में चल रही है और भारत का मैच चल रहा है, तो भारत का प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हो। तो इस वजह से पाकिस्तान भिखारी मुल्क, इनके भिखारी बोर्ड मालामाल हो जाएंगे हमारी वजह से। तो क्यों हो, क्यों हो भाई, आपके कंट्री, आपके एस्टेब्लिशमेंट, आपकी आर्मी हमारे बारे में क्या सोचती है। जब तक ये लोग टोटल बिल्कुल जो भारत के खिलाफ जहर फैलाते हैं कश्मीर में, भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, भारत के खिलाफ आतंकवाद, आतंकवादी भेजते हैं, ये सब टोटली बंद ना हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल रिश्ते ना हो जाए, तब तक हमारे ख्याल से हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। मल्टी नेशन टूर्नामेंट में आपको पता है कि आप, आपके कमिटमेंट होते हैं, कमिटमेंट होते हैं तो उस वजह से आपको खेलना पड़ता है, तो वहाँ पे खेलो, वहाँ पे जो है ठीक है, उसके अलावा नहीं खेलना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को